नेत्र का अर्थ होता है अखां। अखां शब्द भी गुरबाणी च वरत्या, नेत्र शब्द भी वरत्या, नैण शब्द भी वरत्या है। इन्हां दा भाव है अखां जिसके जरिए मनुख देखता है। प्रगास का मतलब है चानण, चानण होना प्रगास। किया गुरदेव, गुरु जी ने, गुरदेव जी ने अखां दे विच चानण पैदा कर दिता है, जिसने सदका भरम गए पूरन भई सेव। भरम दूर हो गए हैं ते कीती हुई सेवा प्रवान हो गई है, रहा। आओ गहराई दे नाल इन्हां वचनां नूं समझिए। नेत्रां दे विच चानण होण दा मतलब की है? नेत्र मनुख दियां अखां, अखां ते पशुआं कोल भी हन, अखां पंछियां कोल भी हन। वह भी संसार नूं देखदे आ, जगत नूं देखदे हन, अपना भोजन पदार्थ कित्थे आ देखदे हन, किसे चीज़ तों खतरा है वह भी देखदे हन, अपने बच्चियां नूं पालदे आ ते उहनां नूं प्यार दे नाल देखदे हन। तो नेत्र देखण दी ताकत पशुआं कोल भी है, पंछियों कोल भी है, कीड़े मकौड़ियों कोल भी है, तो मनुख दे कोल भी है। पर इहदे विच फर्क की है? फर्क यह है कि मनुख दे जिहड़े नेत्र हन, नेत्र का अर्थ है दृष्टिकोण। जो मनुख देखता है वह देखण का जिहड़ा दृष्टिकोण है वह समय के मुताबक वह बदल सकता है, समय के मुताबक वह वड्डा विशाल हो सकता है। यह मनुख दे आम जीवां दे देखण च फर्क है। आम जीव देख रहा सारी जिंदगी, जिहड़ा पशु जां जानवर घा खा रहा उहने घा नूं अपने सारी जिंदगी भोजन के रूप में ही देखी जाना है। जिहड़े जीव मांस खाण वाले हन उन्होंने मांस नूं सारी जिंदगी अपने भोजन के रूप में ही देखी जाना है। तो उन्हां दा देखना एक सीमित है, देखण दे पिछे जिहड़ा दृष्टिकोण है, जिहड़ी सोच है वह सीमित है। पर मनुख दे देखण दे पिछे दृष्टिकोण अते सोच बहुत वड्डी ते विशाल हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी कालपुरख वाहिगुरू जी ने मनुख दे अंदर रखी है। हुण ये विचार किदां हो सकती है? दुनिया की एक सौखी जी उदाहरण दे नाल समझ लईए। मनुख किसे नूं देखदा है उहनूं पहचानदा, उहदा नाम भी पता है, नगर का नाम भी पता है, ईवन के कोई होर प्रूफ हो जिन्हां तों पहचान होवे वह भी पता हुंदा है कि इहदा नाम यह है, माता पिता का नाम यह है, इस जगह पर स्टडी की है, पढ़िया है, इहदे परिवार के मैंबर ने बहुत कुछ पता है, मनुख उहनूं देख रहा है, मिल रहा है। पर जदों वह मनुख किसी के नाल कोई जिंदगी च धोखा कर दे फिर मनुख कहिंदा भी देखदा मैं इहनूं है सी पर पहचानिया अज है सी। भाव कि बाहरी तौर पर फिजिकली देखने की समर्था सी, मैं देख रहा सी, समझ रहा सी, पर उहदे विचों इहदी पहचान नहीं सी कि इहदे मन दे विच की है। इसे ही तरह मनुख किसे नूं देखदा है ते वह मनुख उहदे नाल बहुत चंगियाई करदे, नेकी करदे, तां फिर इंसान कहिंदा भी देखिया ते सी पर अज इहदी पहचान हो गई भी इंसान बड़ा चंगा है। तो देखण दा तल गहराई विच चला गया। पहला केवल शरीर नूं देखदा सी, वह किहड़े परिवार च पैदा होया, माता पिता कौन ने, कित्थों एजुकेशन लई है, किहो जिहे कपड़े पाउंदा है, ड्रैसअप हुंदा है, वह सारा देख रहा सी। पर जदों अपने नाल विहार कीता वह विहार तों फिर उहदे अंदरले गुणां नूं देखण तक पहुँच गया, जदों फिर उहदे प्रति दृष्टिकोण कुछ होर बन गया, जां दृष्टिकोण नफरत वाला बन गया, जां बहुत प्यार ते सत्कार वाला बन गया। इहदा मतलब भी देखण दी गहराई वध गई, हुण दृष्टिकोण होर। तो इदा ही अज के शब्द में गुरु साहब जी कह रहे हैं भी अखा नाल संसार देख रहा है, जगत देख रहा, पर इन्हां अखा दे विच प्रगास होना, चानण होना। चानण का मतलब की है, प्रगास का मतलब की है, इन्हों समझ लो ध्यान दे नाल। जदों भी चानण ते प्रगास शब्द आता है गुरबाणी च बहुत बारी यह शब्द आएगा, यदा मतलब की है? यह शब्द का मतलब है रोशनी हो जानी। पर रोशनी हो जाने दे नाल भी अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा, अर्थ किदां स्पष्ट हो? इहदे लई एक एग्जाम्पल लै लैंदे हां। कोई मनुख किसे जगह दे उपर जा रहा है ते जांदे हुए बहुत ज्यादा हनेरा है ते उहनूं आले दुआले डर लग रहा है, भयमान हो रहा है,
पर ओही मनुख किते उस जगह दे विचों चानन दे विच जा रहा होवे, दिन दे विच जा रहा होवे, तां उहनूं डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। क्यों? इहदा कारण इह है, जदों हनेरे विच गया उहनूं आले दुआले स्पष्ट नहीं सी वी की है मेरे आले दुआले। दरख्त हन, कोई मनुख लुकिया बैठा है, कोई चोर ना बैठा होवे, जिथे मैं जा रहा अगे किते मेरे कोई खाई खड्डा टोया ना होवे। हनेरा सी, उह हनेरे करके कुछ स्पष्ट नहीं सी, कुछ स्पष्ट ना होण करके मन दे अंदर दिमाग दे अंदर डर बन गया। पर जदों चानन दे विच जा रहा है, उहनूं चानन विच सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किस जगह ते कोई मनुख तुरिया आ रहा है, किस जगह ते दरख्त ते पेड़ पौधे हन, किन्ना कु रस्ता साफ है, कित्थे टोया है, हर एक चीज़ उहनूं क्लीयर है। ते जदों स्पष्ट है ते अंदर डर भी नहीं रहा है। इहदा मतलब भी चानन होण दे नाल डर क्यों कर चला गया, क्योंकि चानन होण दे नाल स्पष्टता आ गई, कलैरिटी आ गई। तो चानन होण दा मतलब हुंदा है गल दे अंदर कलैरिटी आ जाए, स्पष्टता आ जाए। हुण गुरु साहब अज दे वचनां च कह रहे हन, नेत्र प्रगास किया गुरदेव, अखां दे विच चानन हो गया, भाव जिहड़ी दृष्टि नाल संसार नूं जगत नूं देखदे सी। जदों गुरु दे लड़ लगे, गुरु ने कृपा कीती, देखण दे विच दृष्टिकोण दे विच स्पष्टता आ गई, कलैरिटी आ गई भी किस नजरिए दे नाल देखना है ते किवें गल नूं समझना, इह गल दा पता लग गया। हुण इह कलैरिटी ही जिंदगी नूं सुखी करदी है। साध संगत जी, जिन्ना ज्यादा मनुख स्पष्ट होएगा उन्ना सुखी होएगा, जिन्ना ज्यादा उलझा होएगा स्पष्ट नहीं होएगा उन्ना ज्यादा दुखी होएगा, दुविधा विच होएगा। तो स्पष्टता ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, गुरु साहबान का मिशन है। जदों गुरबाणी नूं गुरु साहब ने जगत विच प्रगट किया तां मेरे पातशाह ने फरमाया, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी संसार दे विच चानन है। चानन भाव स्पष्टता है। गुरु का ज्ञान संसार के लोगों को कलैरिटी देगा अपने जीवन को किवें सफल करना है। तो यह कलैरिटी गुरबाणी तो मिली, तो गुरबाणी नूं चानन कहा। सास अज दे अमृत वचना च मेरे पातशाह फरमा रहे हैं, नेत्र प्रगास किया गुरदेव। जदों गुरु दे लड़ लगीए तां एक स्पष्टता आउंदी है जिंदगी दे विच, दृष्टिकोण दे विच, देखण दे विच, समझ विच कलैरिटी आउंदी है। ते कलैरिटी दे नाल स्पष्टता दे नाल हुंदा की है, इहदे संबंधी गुरु साहब अगली पंक्ति उच्चारण कर रहे ने, भरम गए पूरण भई सेव रहा। हुण जदों स्पष्टता आ गई तां सिद्धी जी गल है, गुरु अर्जन साहब फरमाउंदे हन भरम गए, कि मनुख दे अंदरों भरम दूर हो गए, भरम चके गए। हुण भरम किसनूं कहिंदे हन? सौखे जे शब्दां विच समझ लईए, भगत रविदास महाराज जी दा शब्द आउंदा सोरठ राग दे विच। आप जी शब्द विच फरमाउंदे हन, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। भ्रम का अर्थ ये है जैसा मानिए, जिहो जिहा मनुख मन बैठे भी आ चीज इदां है, मन बैठे होए ना तैसा, असल में उदां दा है नहीं, रियलिटी उहदी है। जो समझ लिया है वह रियलिटी नहीं है, तो जो रियलिटी है सच्चाई वह समझ नहीं रहा, उन्होंने देख नहीं रहा, इसनों भरम किया। तो कई उदाहरण दित्तियां शब्द च, पहली जिहड़ी उदाहरण दित्ती है वह यह दित्ती है, अनल गम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। समुंदर है, तूफान आ गया, लहर उठियां, उच्ची उच्ची छल्ला आ गई, वेव्स आ गई, तो उन्होंने कंडे के नाल टकराइया, झक पैदा हुई, देखने वाले भयमान हो गए। हुण देखने वाले लिए, गल करने वाले लिए समुंदर होर है, वो लहरां नूं कुछ होर समझ रहा है, तो जिहड़ा आले दुआले साध संगत जी किनारियां नाल वज के झक पैदा हो रही है उन्हूं होर समझ रहा है। पर जिहदे अंदर स्पष्टता आ गई है उन्हूं पता है भी यह सारा कुछ समुंदर का ही रूप है, एक विध बन गई है, एक समा बन गया है, वह विध अते समय दे करके समुंदर ही वख वख रूपां च दिखाई दे रहा है। तो इदां ही जगत की रचना एक तो ही है, पर कुछ एक माया की रचना ऐसी होण करके मनुख अंदर कुछ भरम पैदा हो गए, तो इस करके वखो वखरा समझ रहे। कई उदाहरण भगत जी ने शब्द च दित्तियां।
तो भरम का अर्थ है जो रियलिटी है जो असलियत है उदे तो वखरा समझना। तो हुण जो भरम है गुरबाणी की है गुरबाणी कलैरिटी दे रही है स्पष्टता दे रही है सही दृष्टिकोण दे रही है तो मनुख भरम दे विच है। गुरु अर्जन साहब अज के शब्द फरमा रहे हैं जदों गुरु दे लड़ लग गई है यह भरम चला गया स्पष्टता आ गई। हुण मुख जी स्पष्टता कित्थे आई विशा ते बहुत वड्डा मैं संखेप च रखा। मनुख के जीवन के पांच गल्लां का जिक्र मुख लै लो। एक मनुख के जीवन का पक्ष है धार्मिक पक्ष, दूसरा पक्ष है परिवारक पक्ष, तीसरा पक्ष है आर्थिक पक्ष, चौथा पक्ष है समाजिक पक्ष, ते पंजवां पक्ष है राजनीतिक पक्ष। हुण इन्हां दे विच इंसान उलझिया होया, किसे नूं कुछ पुछो उहनूं धर्म बारे पता नहीं। उहनूं हो सकदा है कि दुनिया का बड़ा ज्ञान होवे वी समाज दे विच दुनिया दे विच किवें अपना नाम बनाउणा है, किवें कामयाब होना है, आर्थिक तौर दे उपर बड़ा सक्सैसफुल है, पर उह धार्मिक तौर ते कोई नॉलेज ही नहीं। दूजे पासे किसे मनुख दा परिवार दे विच परिवारक जीवन वधिया चलदा हो सकदा है, पर कोई दुख आ गया, कोई मुसीबत आ गई, उहदा भाईचारे दे विच जां राजनीतिक तौर ते कोई पहुंच नहीं सी, उह उत्थों मार खा गया। एक उह मनुख है जिहड़ा संसारिक तौर दे उपर जीवन ठीक बतीत कर रहा पर धार्मिक तौर पर सोची नहीं, एक धार्मिक तौर पर जीवन ठीक बतीत कर रहा पर संसारिक तौर पर सोची नहीं, उधरों ठोकर खा गया। तो कई बार मनुख इन सारिया चीज़ों के उलझ के कुछ एक पक्ष तो हनेरे च रह जाता, कुछ करना आता नहीं, तो वह जिंदगी दे पक्ष चो मार खा जाता। सब तो वड्डी गल है धार्मिक भारत के खास तौर पर लोगों के जीवन का जिहड़ा मुख केंद्र बिंदु है धर्म है। हुण धर्म दे विच की होया, जदों धार्मिक तौर पर इंसान ने अपना जीवन व्यतीत किया तो कई तरह के भरमां च पै गया, तो कई लालची लोग धार्मिक आगुआं का पहरावा पा के अगे आ गए, तो उन्होंने अपने लालच सिद्ध करने लई कई तरह के कर्मकांडां दे जरिए लोकाई नूं लुटना शुरू कर दिता। हुण कईआं ने कहा भी जेकर तुसीं दान दोगे दान देने दे नाल रब खुश हो जाएगा, उन्होंने दान लै लै के अपने घर भरने शुरू कर दिते, लोगों लुटना शुरू किया। पर जदों गुरु दे लड़ लगे गुरु ने स्पष्टता दे दिती, गुरु ने की कह दिता, गुरु ने यह गल दस दिती भी भाई ये जिहड़े दान हन इन्हां दे नाल आसन जगा असदान गजदान सहजा नारी भूमि दान ऐसो दान नित नित है कीजै, नित करते रहो पर रब दे नाम बराबर ये चीज़ां नहीं पहुँचदियां, क्यों दान हंकार पैदा करता है। गुरु ने की स्पष्टता दिती, गुरु ने कहा जे तुहाडे कोल है तुसीं किसे दा भला करना वंड के छकण दा रस्ता बना लो। कई तीर्थां ते ही सारी जिंदगी भटकते रह गए, गुरु ने कहा, गुरु ने स्पष्टता दे दिती, गुर समान तीर्थ नहीं कोई। जे तुसीं मेहनत लाउणी है समा लाउणा है तो कुछ खर्च करना है अपनी जिंदगी का समा, तो अपने गुरु के प्रति उहदी गल नूं समझण, गुरु जिहड़ी गल कह रहा है उहनूं अपने विचार विच लैके आओ। जिवें तीर्थ ते जाके लोकी सोचदे पवित्र ते सुचे हो जाईदा, गुरु दी गल जिद्दां तुहाडे जीवन च आ गई पवित्र ते सुचे हो जाओगे। किन्नी स्पष्टता दे दित्ती। धार्मिक तौर ते कई तरह के पहरावे ते कर्मकांडां दे जरिए सोचा जांदा सी कि असीं मालक की खुशी लै लवांगे, पर मेरे पातशाह ने दस दिता काहे पटोला पाड़ ते कंबलड़ी पहरे घर ही बैठिया सौ मिले जे नीयत रास, अपनी नीयत सही करनी सी। तो बहुत भुलेखे से जिहड़े दूर कर दिते, तो गुरु के नाल जुड़े नेत्र प्रकाश किया गुरदेव, गुरु ने चानन कर दिता, गुरु ने स्पष्टता दे दी, कर्मकांडा तो खेड़ा छड़ा के प्रेमा भगती ते मन की शुद्धता वाले रस्ते चला दिता। हुण दूजा है जीवन के साध संगत जी परिवारक पक्ष, परिवार के मनुख की करता, परिवार के पालना परिवार को संभालना इंसान की जिम्मेवारी है, ये हर एक का फर्ज है, केवल बंदे का ही फर्ज नहीं, जिहड़ी घर दे विच औरत है इसत्री उहदा भी फर्ज है, बच्चों का ही फर्ज है, बजुर्गों का ही फर्ज है वी अपने परिवार को मिला के आपां इकट्ठे किवें चलदे हुण। पर यह परिवार के मोह विच इन्ना कुछ आ बंदा फस जाए कि समा आउण दे उपर यह अपने परिवार के लिए दूजिआं दे हक मारन उपर उतर आए, अपने परिवार को अपने बच्चों के मूँह च पाउण लई दूजिआं दे बच्चों के खोह लिया वे, ते अपने लिए सुख दे साधन इकट्ठे कर ले, दूजिआं दीआं जिहड़ीआं जरूरी लोड़ां ने उन्हां नूं भी खोह के रख ले, ते गुरबाणी ने फिर कहा है यह सही जीवन नहीं है, यह तेरा दृष्टिकोण गलत है, तू केवल परिवार नूं देख रहा है बाकी संसार नूं जगत नूं भी देख, ते इत्थे आ के जे सारा किते इदां चल पिया ते दुनिया किदां चलेगी भाई।
ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੰਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਸਾਵਰ ਨਾਲ ਲੰਘੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਨੀ ਹੋਣਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਖਾਣ ਪਰਾਰਾ ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਣ ਪਰਾਰਾ ਐ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਵਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਰੀਜੈ ਰੇਵਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਵਨ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇਵਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਾ। ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜਿਆ, ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾੜਾ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਛੂਤ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤੰਗਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ। ਕਿੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕੀ ਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ,
राजनीतिक तौर के उपर बहुत लोगों ने गल कही कि फलाना राजा ते रब का अवतार है, फलाना इस तरह गुरमत विच इस तरह कुछ नहीं मनिया गया। इत्थे मनिया गया भी जेड़ा भी राजा जा आगू बनता है, किसी भी जगह पर कोई आगू जा राजा बनता है, उहदे लई कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्हां च सब तो वड्डा नियम की है कि जेड़ा भी कोई आगू बनिया मुखी बनिया वह न्याय करे, ये उहदे लई सब तो वड्डा उहदा धर्म उहदी जिम्मेवारी है। राजे चुली न्याय की, राजे लई चुली, चुली का मतलब होंदा प्राण करना, सहु चुकनी, उहदे लई इह है कि मैं इंसाफ करांगा। तख्त राजा सो वह जो तख्त है लायक हो, गुरु साहब ने स्पष्ट किया। तो गुरु साहब के सिद्धांत मुताबक ही बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गिया ने जदों सिख राज कायम किया तो साध संगत जी फिर उन्होंने इंसाफ, महाराजा रणजीत सिंह के राज वेले बहुत वड्डिया उदाहरणां मिलदियां, क्योंकि असी छोटी कौम आ, गिनती के पक्ष तो, सिद्धांत के पक्ष तो नहीं, गिनती के पक्ष तो छोटी कौम होने करके साडा इतिहास असी आप लिखा ना होने करके, साडे आगुआ बारे दूजिया ने लिखा होने करके असी छेती उन्हां दीआं गल्लां तो प्रभावित हो जाने कि फलाणे ने इदां कीता उदां कीता, पर नहीं, जो गुरु नानक दे सिखां ने गुरु दी बख्शिश कीती हुई इस महान पवित्र विचार मुताबक चल के राज कीता, वो राज दुनिया के आदर्शक राज संसार। तो इस तरह जो गुरु दे लड़ लगते हैं तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह दसते हैं भी गुरु भरम दूर कर दिता, जिहड़े भुलेखे पै ने दूर कर दिता है, भी राजे होने से भुलेखा से भी राज करना तो राज करके असी आनंद लुटना, ये भुलेख इदा ही गुरु साहब बारे भी यही भुलेखा से, इवन गुरु साहब के खानदान के लोगों परिवार के लोगों को भुलेखा से भी गुरु बन के पूजा करवानी, मत्थे टिकाने, ये गुरु का कर्म है। गुरु साहब कहते नहीं, गुरु का जीवन एक बड़ी तड़क वाला जीवन है, गुरु का जीवन तो समुची मनुखता लिए समर्पित होया जीवन है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों के पुत्रां दे मूँह नूं छड़दे संसार के कोने कोने बहुत दूर तक उस वेले दे जिन्ने साधन वरत के जाया जा सकता सी गुरु साहब गए। इसे लिए गुरु अर्जन देव महाराज ने तत्तियां तवियां ते बैठना, गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपना शीस कुरबान करना प्रवान किया, क्योंकि गुरु का मतलब गद्दियां ते बह के पूजा करवानी नहीं, मनुखता का समुचे संसार का भला करना। गुरु का जीवन बड़े तर बड़े कुरबानी ते बड़े त्याग वाला जीवन होंगे, ता ही हर एक नूं गुरदा गद्दी नहीं मिल सकी। तो साध संगत जी, गुरु साहब गुरु अर्जन देव महाराज जी अज्ज दे बचना च ये गल समझा रहे हैं, जदों लड़ लग जाइए तो स्पष्टता आ जाती है, दृष्टिकोण बन जाता है कि किवें अपना जीवन बतीत करना है। तो उदाहरण कहड़ी दित्ती है, आओ भरम गए पूरन भई सेव, जीव के अंदरों भरम निकल गए, स्पष्टता आ गई, तो फिर अखीर कहना मेरा जीवन एक सेवा का मुजस्मा बन गया, तो मैं जो इवें अपना जीवन बतीत किया मेरा सफल हो गया है। रहाओ हुण गुरु साहब अपने जीवन की उदाहरण दे के समझा रहे हैं। सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, मनुख ते दुख ते रोग आ जाते हैं, शरीर का कर्म ही यह है वेह दुख ते सुख दा इहनूं कपड़ा पाउणा पैंदा है। गुरु साहब जी दे अपने साहिबजादे श्री हरगोबिंद साहिब जी 1595 साहिब जी का प्रकाश होया, ते 1594 तो लैके करीब करीब 99 तक 5-6 साल लगातार काल पिया, ते फसलां ना होईयां, कई तरह दीआं महामारियां फैल गईआं। गुरु अर्जन देव महाराज इन्हां समयां दे विच समुची मनुखता दी सेवा करन लई थां थां जांदे रहे, लाहौर बहुत समय रहे, पंजाब के वक् वक् इलाकों च गुरु साहब गए। गुरु साहब के घर के भरा वालों गुरु साहब ना दुश्मनी कमाई जाती सी, इस करके अपने परिवार को घर नहीं सी रख सकते, नाल रखे अपने। तो साहिबजादे हरगोबिंद साहब का जन्म भी प्रकाश भी उन्हीं दिनों च होया, उन्होंने भी नाल रखना पिया, तो नाल रखने करके दुखियों की मदद करते सी, कुछ इनफेक्शन जिहड़ी सी वह श्री हरगोबिंद साहब महाराज गुरु के साहिबजादे नूं छोटी उम्रे चेचक हो गए, जिसनों लोग शीतला कहते सन, तो वो पूजा करते माता कहते सन, तो कई तरह के कर्म कांड वहम भरम ये जोड़े हुए थे, तो लोग बहुत यहोजा कुछ करते। पर गुरु अर्जन देव महाराज के साहबजादे को जो यह बीमारी हुई तो साध संगत जी गुरु अर्जन देव महाराज जी को गुरु तो दूजे को स्पष्टता देने वाला दृष्टिकोण देने वाला है, तो गुरु महाराज के कुछ संगतों के कई ने कहा महाराज कोई हीला वसीला, गुरु साहब कहते पहली गल एक कोई माता नहीं है, एक बीमारी है जिवें बाकी बीमारियां होंदियां, दूसरी गल इहदा आपां इलाज करना जिवें आम बीमारियां का इलाज किया जाता है,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖੰਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਤਲਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸੀਗੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੋ ਆਓ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਓ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ